वेलकम 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 गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मंगलस वीडियो में। सो इस वीडियो में हम जानेंगे निफ्टी का एनालिसिस, मंडे स्पेसिफिक भी एंड नेक्स्ट वीक के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे पोजिशनली। तो सबसे पहले अगर हम इंट्राडे मार्केट देखेंगे, फ्राइडे की कैसी मार्केट हमें फ्राइडे को देखने को मिली, तो एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी एंड सेंटीमेंट्स काफी ज्यादा नेगेटिव थे। ऐसा लग रहा था मार्केट काफी ज्यादा फर्दर फॉल हो सकता है, लेकिन हमने आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल दिया था 16,360। हमने कहा था मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तब मार्केट में फर्दर एक कंटिन्यूस बेयरिश मूव हमें देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट ने उस लेवल को होल्ड किया। दो सेंटीमेंट्स बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, ग्लोबल मार्केट्स भी नेगेटिव थी, फिर भी मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया, इसलिए हमें फर्दर डाउनफॉल देखने को नहीं मिला। एंड होप इस लेवल ने आपकी हेल्प की होगी। उसके बाद हमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला मार्केट में, एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग जरूर हुई, लेकिन लोअर लेवल से आप देखिए बहुत अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला और फिर अपसाइड हमें 16,500 पे फिर से मार्केट में रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखा। अब 16,500 लेवल देखेंगे तो ये प्रीवियसली एज अ सपोर्ट का भी वर्क कर रहा था। आप यहाँ देखिए 16,500 प्रीवियसली एज अ सपोर्ट का भी वर्क कर रहा था, अब ये मार्केट में बन चुका था रेजिस्टेंस क्योंकि मार्केट इस लेवल के बिलो आ चुकी थी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके फिर से डाउनफॉल देखने को मिला, फिर काइंड ऑफ मार्केट रेंज बाउंड ही वर्क कर रही थी। जो हमने लो था वो मॉर्निंग में ही बना लिया था, उसके बाद कोई फ्रेश लो नहीं बनाया, ये लो पूरे डे में ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। इनफैक्ट दोबारा जब एक और बार बाउंस देखने को मिला फिर से वही लेवल 16,500 जहां मॉर्निंग में हमने हाई बनाया था, जहां मॉर्निंग में हमने रेजिस्टेंस फेस की थी, दोबारा एग्जैक्टली फिर वही रेजिस्टेंस फेस की और डे एंड में फिर से वहां से करेक्शन देखने को मिली। तो ये ओवरऑल डे था जहां इंपॉर्टेंट लेवल 16,360 था, वो मार्केट ने होल्ड किया इसलिए हमें फर्दर बेरिश मूव देखने को नहीं मिला। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ये आगे के लिए भी रहेगा, अगर मार्केट में कोई भी मेजर फॉल आएगा तो उसके लिए सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यही है, पहले भी बताया एंड अभी भी आपको यही लेवल जरूर मार्क करके रखना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल इंट्राडे मार्केट थी। अब मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे उनकी बात कर लेते हैं, पोजिशनली वीकली भी लेवल्स की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। तो मंडे के लिए अभी हमारी क्लोजिंग 16,420 के आसपास आई है, ठीक है, तो ये इमीडिएट सपोर्ट लेवल बन जाता है मार्केट में। और रेजिस्टेंस लेवल क्या होंगे, पहला रेजिस्टेंस लेवल वही 16,500 जहां हमने फ्राइडे को भी मार्केट को रेजिस्टेंस लेते हुए देखा था। तो पहला रेजिस्टेंस लेवल इंट्राडे के लिए मंडे में आता है 16,500। उसके बाद इनकेस ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल आएगा 16,550 एंड 16,600, ठीक है। ये क्लियरली हमारे रेजिस्टेंस लेवल होने वाले मंडे के लिए 16,500, 16,550 एंड 16,600। तो तीन रेजिस्टेंस लेवल क्लियर हो चुके हैं, सपोर्ट कहाँ मिलेगा। तो सपोर्ट पहला तो मैंने आपको बता दिया 16,420 पहला सपोर्ट लेवल होगा, यहाँ लास्ट टिक हमें इसके बिलो दिख रही है, लेकिन हमारी एवरेज क्लोजिंग की वजह से हमारी एग्जैक्ट क्लोजिंग 16,450 पे आई है, तो इस लेवल के अबव क्लोजिंग आई है, तो ये हमारा पहला सपोर्ट लेवल है। उसके बाद लोअर साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पूरे वीक में भी आपको याद रखना है एंड मंडे में भी याद रखना है 16,360। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अभी मैंने आपको इसका लॉजिक भी समझाया एंड प्रीवियस वीडियो भी जाके देखेंगे वहां भी बहुत क्लियरली इसका लॉजिक समझाया था, एसजीएक्स निफ्टी के चार्ट के थ्रू भी आपका इसका लॉजिक समझाया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक होगा तो एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूस देखने को मिलेगा हमें मार्केट में, उसकी भी बात करेंगे कि लोअर साइड क्या लेवल होंगे, लेकिन ये लेवल जरूर आपको पूरे वीक में याद रखना है 16,360 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा पूरे वीक के लिए भी एंड मंडे के लिए भी, ठीक है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मंडे के लिए, यही सारे लेवल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपने रेट्स बनाने में और इन्हीं को आपको फॉलो करना है। लोअर साइड अब वीकली क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, देखिए अगर 16,360 कभी भी ब्रेक होता है तो हम कहां तक फॉलो सकते हैं, तो हमारा नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल आएगा वो आएगा 16,200 पे, यानी फर्दर 160 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है अगर हम 16,360 लेवल को ब्रेक करते हैं। तो वीकली मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला लेवल 16,360 एंड उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आएगा पोजिशनली वो आएगा 16,200 एंड इन केस कभी 16,200 ब्रेक होता है मार्केट में, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे ये ब्रेक होगा, लेकिन आपके पास लेवल्स होने चाहिए जो आपको हेल्प करेंगे ट्रेड में। जैसे 16,360 ब्रेक ही नहीं हुआ, अगर ब्रेक होता था आपके पास फर्दर लेवल्स थे लेकिन सपोर्ट ने अपना वर्क किया और वहां से हमें अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। इन केस 16,200 वीक में कभी भी ब्रेक होता है तो हमें फर्दर एक मेजर डाउनफॉल देखने को मिलेगा
किस लेवल तक, 15,950 लेवल तक, यानी 250 पॉइंट्स का फर्दर फॉल आएगा। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट लोअर साइड सपोर्ट लेवल्स है। देखिए कंटिन्यूस मार्केट में अपमूव आ रहा था, बहुत अच्छी रैली देखी है, 15,950 से ही हमें ब्रेकआउट मिला था मार्केट में और वहां से 750 पॉइंट्स की हमने रैली देख ली है। तो यहां से अगर छोटा मोटा डिप आ गया तो उसमें घबराने की सबसे पहले जरूरत नहीं है। ऐसे डिप्स हेल्दी साइन होते हैं कि मार्केट हेल्दी वे में वर्क कर रही है, मार्केट कभी भी सिंगल डायरेक्शन में स्ट्रेट मूव नहीं कर सकती। ऐसे डिप्स आते हैं कभी भी बुलिश मार्केट जैसे ओवरऑल अभी चल रही है, तो बुलिश मार्केट में ऐसे डिप्स आते हैं और फिर मार्केट दोबारा अपना अपमूव कंटिन्यू रखती है। तो ये डिप्स अच्छे हैं मार्केट के लिए और अभी ऐसा कोई साइन नहीं है कि मार्केट में ओवरऑल जो बुलिश व्यू पॉइंट है वो चेंज हो रहा है। अभी भी मार्केट बुल रन में ही चल रहा है। बुल रन कब खत्म होगा? जब ये जो 15,950 लेवल है ये कभी ब्रेक होगा तो फिर हम कहेंगे कि मार्केट अब बेयरिश ट्रेंड में एंटर हो चुका है, लेकिन अभी के लिए मार्केट क्लियर कट बुल ट्रेंड में ही चल रहा है। ये जो डिप्स है ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होंगे आपके लिए जब तक हम मेजर लेवल्स को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो होप आपको पोजिशनल लेवल्स भी क्लियर हो चुके हैं एंड इंट्राडे मंडे के लिए लेवल्स भी क्लियर हो चुके हैं। इन्हीं को यूज करेंगे तो बहुत सिस्टमेटिकली आपको अच्छे ट्रेड्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो ये हमारे पूरे वीक के लिए मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है। जितना चीजों को सिंपल रखेंगे उतना ईजी रहेगा आपके लिए ट्रेड्स बनाना। सिंपली लेवल्स को मार्क करना है, उन्हें फॉलो करना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स का ध्यान रखें। जो हमने आपको वीकली इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो आपका मेजर ट्रेंड डिसाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।